तो पृथ्वी के वासियों कैसे हो तुम लोग। आज आ चुका है तुम लोगों के लिए डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8, वो भी हिंदी में। तो बिना अपने दोस्त पर 1000 इयर्स ऑफ अर्थ का प्रयोग करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूचरो वाटर प्रिजन पॉट से बाहर निकल चुका है, पर उन जहरीली नीडल्स की वजह से उसका सारा शरीर सुन पड़ चुका है। फिर वो नीचे कुतैत्सु को बेहोश पड़े हुए देखता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे नुकीले पंजों वाले फिश डीमंस आ जाते हैं, पर मूचरो में जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे अपनी एक मेमोरी दिखाई देती है, जिसमें उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो मूचरो, चलो अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि मूचरो के पिता एक लकड़हारे थे और मूचरो उनकी लकड़ियों को काटने में मदद करता था, जिसमें उसे बहुत मजा आता था। फिर हम मूचरो को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो बहुत ही बीमार थी। वो उन्हें कहता है कि क्या आप ठीक है माँ, पिताजी बाहर आपके लिए जड़ी बूटियाँ लाने गए हैं। फिर अब मूचरो अपनी माँ के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि इन्हें तो बहुत ही ज्यादा बुखार है। वो उनके सर की पट्टी चेंज कर देता है और उन पर एक और कंबल ओढ़ देता है, पर उसकी माँ को फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। फिर वो अपनी माँ को झप्पी डालकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही खराब मौसम है, बाहर बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान और बारिश है। वहाँ हम मूचरो के पिता को देखते हैं, जो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं, पर वहाँ से वो फिसल जाते हैं और नीचे गिरकर उनकी मौत हो जाती है। फिर मूचरो कहता है कि उसी दिन मैंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। मैं 10 सालों का था जब मेरे माता पिता मर गए, तब मैं खुद को अकेला महसूस करता था। फिर हम देखते हैं कि कोई मूचरो को बुलाता है। फिर मूचरो कहता है कि नहीं, मैं 10 साल में नहीं बल्कि 11 साल की उम्र में अकेला हुआ था। मेरा एक जुड़वा भाई था, उसका नाम था यूचिरो। फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों लकड़ियां काटने जा रहे थे, तो यूचिरो उससे कहता है कि हमदर्दी से किसी का भी भला नहीं होता, दूसरों की मदद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर मूचरो उसे कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं उससे अंत में हमें भी मदद जरूर मिलती है, हमारे पिता ने भी हमें यही कहा था। फिर उसका भाई उससे कहता है कि तुम किसी ऐसे आदमी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते जो खुद किसी और की मदद करते हुए मर गया। फिर मूचरो उससे कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ये सब उन्होंने हमारी माँ के भले के लिए ही किया था। फिर यूचिरो उससे कहता है कि कुछ जड़ी बूटियाँ उनकी हालत को ठीक नहीं कर सकती थी, उन्होंने मूर्खता की हद पार कर दी थी, अगर वो तूफान के बीच बाहर नहीं जाते तो हमने सिर्फ अपनी माँ को ही खोया होता। फिर मूचरो उससे ऊंची आवाज में कहता है कि तुम चुप कर जाओ, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर यूचिरो उसे कहता है कि चिल्लाओ मत, तुम जंगली सूरों को अपने पास बुला लोगे। मूचरो में मुंह का मतलब अयोग्यता है, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते। मूचरो में मुंह का मतलब है बेमतलब का। उसकी ये बातें सुनकर मूचरो बहुत ही निराश हो जाता है। उसका भाई हमेशा ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करता था। वो कहता है कि उसका अपने भाई के साथ रहने में दम घुटता था, वो उससे बहुत नफरत करता था। धीरे धीरे मौसम बदलते गए और स्प्रिंग सीजन आ गया। मूचरो अभी भी अपने माता पिता की मौत को नहीं भुला पाया था। वो एक दिन नदी पर पानी भरने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लेडी दिखती है, जो बिल्कुल एक परी जैसी थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि डीमन स्लेयर्स के मास्टर की वाइफ थी, जो इतनी दूर से सिर्फ उन्हें मिलने के लिए आई थी, पर यूचिरो ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा दिया। असल में वो उन दोनों को डीमन स्लेयर्स कॉप ज्वाइन करने के लिए राजी करने आई थी, क्योंकि वो एक महान स्वॉर्ड्समैन के वंशज थे जो सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते थे। मूचरो अपने भाई से इसी बारे में बात कर रहा था, पर वो उसे चुपचाप चावल धोने के लिए कहता है। मूचरो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डीमन सच में होते हैं, पर अगर हम लोगों की मदद कर पाए तो कितनी अच्छी बात होगी, चलो उन लोगों को बचाएं जो डीमंस की वजह से दुख झेल रहे हैं। फिर यूचिरो गुस्से में आकर जोर से मूली पर चाकू मारता है और बहुत जोर से चलाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, जिसे चावल नहीं बनाने आते वो तलवारबाज क्या बनेगा और दूसरों को कैसे बचाएगा। तुम बिल्कुल हमारे माता पिता जैसे हो और हद से ज्यादा आशावादी हो, बिल्कुल हमारी माँ की तरह जो बीमार होने के बावजूद भी हमसे छुपकर काम करती थी, और बिल्कुल हमारे पिता की तरह जो तूफान में जड़ी बूटियां लेने चले गए, मेरे मना करने के बाद भी वो दोनों नहीं रुके। सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमारे पूर्वज शायद तलवारबाज होंगे पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम जानना चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो सुनो, हम सिर्फ कुत्तों की मौत मर सकते हैं और बेवजह की मौत मर सकते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता की औलाद हैं। वो औरत सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहती है, आज के बाद मेरे साथ इसके बारे में बात मत करना, अब जल्दी करो और डिनर तैयार करो। मूचरो फिर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। मूचरो के शब्द सीधा उसके दिल में जाकर चुभते हैं।
उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। बस एक बार को छोड़कर जब वो लड़े थे क्योंकि यूचिरो ने लेडी अमाने पर पानी फेंका था। फिर गर्मियों का मौसम आ गया और अब भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो रात को सो रहे थे और जिंगूर भी आवाजें निकाल रहे थे। मुचिरो को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो पानी पीने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कहता है कि क्या बस कुछ बच्चे ही हैं यहाँ पे। तभी वो मुचिरो पर हमला करने लगता है, पर यूचिरो उसके सामने जाता है और उसकी एक बाजू कट जाती है। उसका बहुत खून बहने लगता है और मुचिरो उसे उठाकर कोने में ले जाता है। वो डीमन उनके पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि चुप कर जाओ, तुम जैसे गरीब लकड़हारे वैसे भी किसी काम के नहीं, तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगियां बेकार है। फिर मुचिरो कहता है कि उस समय मुझे खून के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था, मुझे पता नहीं कि आगे क्या हुआ, एक ऐसी दहाड़ जिस पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, जो मेरे खुद के मुंह से आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि मुचिरो खून में लथपथ बाहर बैठा है। वो डीमन भी वहाँ पर ही था जो बस मरने वाला था। मुचिरो ने उसका सर कुचल दिया था, फिर भी वो मर नहीं रहा था। वो डीमन तड़प रहा था। फिर सनराइज हो जाता है और सूरज की किरणों के पड़ते ही वो डीमन मर जाता है। अब मुचिरो सिर्फ अपने भाई को देखना चाहता था, पर उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। लेकिन वो रेंगते रेंगते घर के अंदर पहुंच ही जाता है। वहाँ यूचिरो की हालत बहुत खराब थी और वो मरने ही वाला था, पर फिर भी वो भगवान बुद्धा से प्रार्थना कर रहा था कि मुचिरो को कुछ ना हो। ये बात सुनते ही मुचिरो के आंसू निकल जाते हैं। यूचिरो कहता है कि वो मेरी तरह नहीं है, वो एक ही बहुत ही रहम दिल बच्चा है, वो दूसरों को बचाना चाहता है, पर मैं उसके रास्ते में आ गया, इसलिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो सिर्फ मुझे देना। सच तो यह है कि मुचिरो में मुंह का मतलब है अनंतता। यूचिरो के लाइन सुनने के बाद मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां मुचिरो के चेहरे पर बीतांजरों की तरह कर्स मार्क्स आ जाते हैं और वो एक बार में ही उन सारे फिश डीमंस को मार देता है और कितेत्सु को बचा लेता है। फिर कितेत्सु मुचिरो को कहता है कि मेरी चिंता मत करो, प्लीज जाकर मिस्टर हागानेज़ुका और स्पोर्ट्स को बचाओ। फिर हम गीगा चैट हागानेज़ुको को देखते हैं, जो इतनी चोट लगने के बाद भी ग्योको की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। वहाँ ग्योको पूरे गुस्से में था क्योंकि वो हागानेज़ुका के कंसंट्रेशन को तोड़ नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं इसे इस इंसान को मारने की धमकी दूं तो ये जरूर ध्यान देगा। फिर अचानक वहाँ मुचिरो प्रकट हो जाता है, जो ग्योको पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्योको उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो वाटर प्रिजन पॉड को तोड़कर बाहर कैसे आ गया। फिर वो उसके चेहरे के मार्क को देखकर कहता है कि इसके चेहरे पर भी उस बच्चे जैसा ही मार्क है, जिसके कानों में इयररिंग्स हैं और जिसके बारे में मुझे लॉर्ड मुजान ने बताया था। फिर वो मुचिरो से कहता है कि तुम इतनी शांति से कैसे खड़े रह सकते हो, मेरे अटैक से तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जानी चाहिए थी, तुम्हें इतनी स्पीड कैसे आई कि तुमने मुझे घायल कर दिया। फिर ग्योको अपने वेस्ट से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स निकालता है, जो कानामुरी और मुचिरो को जकड़ लेते हैं। हागानेज़ुको जाकर गिर जाता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं और स्वॉर्ड को होन करने में लग जाता है। ग्योको कहता है कि इसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले साशिरा से निपटता हूँ, पहले मैं इसे सीरियस नहीं ले रहा था, पर अब मैं उसे कुचल के रख दूंगा। तभी मुचिरो उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देता है। फिर हम मुचिरो की नई स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कानामोरी ने उसके लिए बनाई थी। मुचिरो कानामोरी को थैंक यू कहता है, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे पहले स्पॉट स्मिथ की इंस्ट्रक्शन मानी थी। फिर मुचिरो कहता है कि तुम सही हो, वो मिस्टर तेत्सुइदो से जिन्होंने मेरी पहली स्पॉट बनाई थी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां मुचिरो और मिस्टर तेत्सुइदो बात कर रहे होते हैं। मिस्टर तेत्सुइदो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है लड़के, कोई नहीं समझ सकता कि तुम किस हालात से गुजर रहे हो, जब मैं तुम्हारी यूज की हुई स्पॉट्स को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी उम्र जल्द पूरी ही होने वाली है, मुझे ज्यादा जीने का लालच नहीं है, बस मुझे तुम्हारी चिंता है। फिर मुचिरो अपने मन में उनसे सॉरी मांगता है और फिर ग्योको पर हमला कर देता है। ग्योको उससे कहता है कि तुम इस स्पीड से कभी मेरा गला नहीं काट पाओगे। फिर मुचिरो कहता है कि शायद तुम्हारी सेंसेस खराब हो चुकी हैं, क्योंकि तुम सैकड़ों सालों तक जी चुके हो। हम देखते हैं कि उसने ग्योको का गला ऑलमोस्ट काट ही दिया था। मुचिरो कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारा गला पक्का काट दूंगा। फिर हमें मुचिरो और ग्योको के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फिर उसके माइंड में यूचिरो कहता है कि तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, जब तुम्हारे मरने का समय आएगा तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, पर मुझे पता है कि तुम दूसरों के लिए अनंत ताकत पैदा कर सकते हो, तुम चुने हुए लोगों में से एक हो। इसी के साथ हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। और अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो उन लोगों को शेयर जो एनिमेस को इंग्लिश सब या डब में नहीं देख सकते, इससे एनिमे कम्युनिटी जरूर बड़ी होगी। बाकी कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगली वीडियो आएगी 9th एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।